अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुलबा, सेकंड ईयर। आज के लेक्चर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं गज़ा गज़ाइत के, कल मैंने आपको बताया था, आज जो है विटामिन पर मुख्तसर नोट लिखें। विटामिन, इसका जवाब ये कि वो नामियाती मुरक्कबात हैं जो आम गज़ा की तरह इंसानी जिस्म की सेहत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं। इन्हें हयात परवर मादे भी कहते हैं। लहमियात, निशास्त और रोगनियात को बुनियादी गज़ा कहते हैं, लेकिन विटामिन के बगैर तमाम अज्जा बेकार और नामुकम्मल हैं। ठीक है जी। अब विटामिन की इकसाम कौन कौन सी, ये मैंने आपको क्लास में भी, ये अब दोबारा रिपीट हो रहा है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और पी। ठीक है, ए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के और पी। अब विटामिन के मुख्तसर फवायद लिखें। ये सवाल है, क्या क्या जी? विटामिन जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करते हैं, खास आजकल के हालात में विटामिन सी फ्रूटर है, जूसेस हैं, वो पीने चाहिए आपको। विटामिन गज़ा को जुज़े बदन बनाने में मदद देते हैं और विटामिन दांत और हड्डियों की हिफाजत करते हैं। ठीक हो गया। क्या क्या? कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करते हैं, गज़ा को जुज़े बदन बनाने में मदद देते हैं, विटामिन दांत और हड्डियों की हिफाजत करते हैं। अब है जी, इंसानी जिस्म में विटामिन की कमी की वजाहत कीजिए। विटामिन की कमी की वजह से जल्दी बीमारियां, उजलात का कमजोर होना, खून की कमी, जिस्मानी नशोनुमा का रुकना, कुव्वत मुदाफ़त में कमी, गले की सोजिश, नज़ला, जुकाम, बदहज़मी, मेदे की बीमारियों से दोचार होता है, यानी कि ये विटामिन की वजह से है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी कितने विटामिन का मजमू है, इसे नाम तैयारी कीजिए। विटामिन बी तकरीबन 15 विटामिन का मजमू है, मंदरजा ज़ैल हैं। कौन से विटामिन? B1, B2, B3, B5, B6, B12। अब विटामिन सी पर मुख्तसर नोट लिखें। विटामिन सी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मरकब है। ये जिस्म में जल्द जज़ब हो जाते हैं। ये विटामिन सबसे ज़्यादा रस वाले फलों मसलन नारंगी, अनानास, माल्टा, केला, आलू, पत्तों वाली कच्ची सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन सी जिस्म में खून के सुर्ख ज़रात बनाता है, हाजमे के अमल को तेज़ करता है, जिस्मानी कमज़ोरी वज़न को कम करता है, हड्डियां कमज़ोर और जोड़ों में दर्द महसूस अगर हो तो ये विटामिन उस कमी को पूरा करता है या उससे नहीं होता। अगला जी कि मादनी नमकियात पर मुख्तसर नोट लिखें। मादनी नमकियात पर मुख्तसर नोट लिखें, इसका जवाब ये है कि मादनी नमकियात इंसानी जिस्म का मुहाफ़ज़ और निगाहबान है। ये हमारी खुराक का आम हिस्सा है। मादनी नमकियात में कैल्शियम, फॉस्फोरस, गंधक सोडियम, पोटाशियम, फुलाद, आयोडीन और मैग्नीशियम वगैरह शामिल है। ठीक है। फिर है जी, इंसानी जिस्म में मादी नमकियात के मुख्तसर फवायद तहरीर कीजिए। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। नंबर एक है, मादी नमकियात हड्डियों और दांतों की नशोनुमा में मदद देते हैं, हड्डियों और दांतों की नशोनुमा में मदद देते हैं। नंबर दो, ये नमकियात दिल की धड़कन को दुरुस्त और आसाबी कुव्वत को दुरुस्त हालत में रखते हैं। और नंबर तीन, पट्ठों यानी कि जो आपके मसल्स हैं, उजलात की नशनुमा और उनकी मरम्मत का काम करते हैं। और नंबर फोर, जो आपके गुर्दों के अफाल हैं उनको दुरुस्त हालत में रखते हैं, यानी कि जो आजकल किडनीज के प्रॉब्लम्स हैं, एक तो पानी कम पिया जाता है, पानी में भी प्रॉब्लम्स हैं, और फिर अगर आप जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेश जूसेस, तो आपके जो गुर्दों का जो काम करने का फेल है वो दुरुस्त हालत में रहता है और गुर्दों की किसी किस्म का मर्ज लाख नहीं होता।